हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अपनी पार्टी का ऐलान किया, आज बातचीत कर लेते हैं। कुंडू साहब, नई पार्टी का ऐलान, मकसद क्या पार्टी का? मकसद है इस प्रदेश को बचाना। प्रदेश का युवा जो आज अंधकार में उसका भविष्य है, उसको कैसे, जो अपराध और नशे की तरफ जा रहा है उसको कैसे बचाया जाए। प्रदेश का किसान मजदूर आज बदहाली के दौर से गुजर रहा है, उसको कैसे खुशहाल किया जाए। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, लूट, महंगाई आज चरम सीमा पे है। आम जनमानस का जीना, जीवन व्यापन करना आज बहुत एक पहाड़ बन गया है। उन सारी चीज़ों को लेकर एक ऐसा दल जो लोगों के लिए काम करे, ईमानदार और निष्ठा के साथ काम करे, पढ़े लिखे युवाओं की सोच वाले युवा प्रतिभाशाली जो है, ऐसे लोगों को, युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाकर, ऐसे दल जो जात पात के लिए नहीं, इस प्रदेश के भाईचारे को साथ मिलाकर छत्तीस बरादरी को लेकर आगे बढ़े, ऐसी सोच के लोगों का समूह इस प्रदेश को बचाने के लिए हमने हरियाणा जनसेविक पार्टी के रूप में बनाया है। और 2024 में इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश की लूट और झूठ की राजनीति को ख़त्म करने के लिए हम काम करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है, हर पार्टी जो नहीं बनती, नई फॉर्म होती है, हर दावा करती है, शुरू से लेकर आखिरी तक देख लो। हरियाणा में जेजेपी बनी, उसने भी यही दावा किया, आपकी पार्टी भी ये दावा कर रही है, लेकिन लोग कैसे विश्वास करेंगे कि ये सच में ईमानदार पार्टी है? मैंने अपने आप को पिछले 4 साल में प्रूव किया है। मैं चाहता तो उसी भाजपा के साथ मिलकर दुष्यंत की तरह हजारों करोड़ रुपए कमा लेता जो दुष्यंत यहाँ लूट रहा है इस प्रदेश को। मैंने ईमानदारी का और लोगों की आवाज़ बनकर उठाने का परिचय इस प्रदेश में दिया है। इस प्रदेश का हर वर्ग, हर लोग, प्रदेशवासी बलराज कुंडू की सोच और ईमानदारी पर भरोसा करते हैं और उन्हीं लोगों के कहने पर इस दल का निर्माण किया है। पूरे प्रदेश में यात्रा निकाल कर, लोगों से बातचीत करके, लोगों से सलाह मशवरा करके, मैंने इस दल का, इस पार्टी का, हरियाणा जनसेवक पार्टी का, लोगों को इकट्ठा करके इसका निर्माण करवाने का काम किया है। कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे जो बलराज कुंडू के साथ आकर मिल रहे हैं? अभी आज ही डिस्क्लोज नहीं है चीज़ें, कुछ गर्भ में भी रहने दो, आपको 1 नवंबर को बताएंगे भी कौन चेहरे होंगे, क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या रोड मैप होगा, कुछ तो सोचा होगा स्टेट के लिए। ये 1 नवंबर को पूरा रोड मैप, मैनिफेस्टो, सब क्या रोड मैप होगा, किस एजेंडे पे काम करेंगे, किस उससे लेकर जनता बाजार में, वो आपको 1 नवंबर में जींद रैली में बताएंगे। 2024 लोकसभा लड़ी जाएगी, बिल्कुल इस सब का खुलासा 1 नवंबर को जींद रैली के अंदर आपको करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी भी लगातार बढ़ रही है पंजाब, हरियाणा में भी, पंजाब में उनकी सरकार है। 1 नवंबर को हम अपनी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी, हर पार्टी को अधिकार है लोकतंत्र की तारीफ करते हो काफी, आम आदमी पार्टी। मैं क्या है, हर लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अधिकार है, वो अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, गठबंधन करके लड़ा जाएगा, देखते हैं। अभी आज सारी चीजें स्पष्ट, आज नहीं, आज तो पार्टी घोषणा की है ना, आज ही कैसे होगा। अभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, धरातल पे जाएंगे, पार्टी के पदाधिकारियों का गठन करेंगे, अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, जिसको लोगों को बताएंगे हम किस एजेंडे पे जो है ना आपके बीच में आएंगे और आपके लिए काम करेंगे। थैंक यू। तो रैली कर एक बड़े एजेंडे का ऐलान किया जाएगा, मैनिफेस्टो का भी ऐलान होगा। कैमरा पर्सन जगजीत के साथ आशु अनेजा, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।